तू भी मुझसे पूछ लेते तो लॉकडाउन ना करने देता। हमने लॉकडाउन किया जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर तबाह हो गया। अल्लाह का शुक्र है हमने भारत जैसा लॉकडाउन नहीं किया। भारत की 34% आबादी भूख और बीमारी का शिकार हो गई है। यूरोप और हमारे हालात में बहुत फर्क है। मुल्क के लोगों में खैरात देने का बहुत जज्बा है। अमरीका जैसे मुल्क में लोग खैरात लेने लंबी कतार में खड़े हैं। समाजी तहफ्फुज़ के 3 बड़े इकदामात का आगाज की तकरीब से वजीर आजम इमरान खान का इजहार ख्याल। बोले एहसास कैश प्रोग्राम में शिफाफ तरीके से पैसे दिए गए। वजीर आजम रिलीफ फंड का मकसद बेरोजगार अफराद की मदद करना है। कोरोना वबा से पहले ही पनागाहें बना दी थीं। पार्लियामेंटेरियन से कहता हूं पनागाहों में जाएं और लोगों के साथ खाना खाएं और हाल पूछें। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। इस टाइम के अंदर जो हमारे वो लोग हैं जो कि कोरोना से जिनकी जानों को खतरा है, जिसमें हमारे बूढ़े हैं और जिसमें हमारे वो लोग जिनको वो बीमारियां हैं, जो अगर उन बीमारियों के साथ कोरोना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, यानी उनकी जान खतरे में चली जाती है मसलन, तो इनको इनके लिए हमने लॉकडाउन भी करना है। अगर हम इनको बचा गए तो फिर कोरोना का वो इफेक्ट नहीं होगा जो हमने देखा कि दुनिया के और मुल्कों में अमेरिका में हुआ है। आज हमारे अगर हालात उस तरह का जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का कर्फ्यू नहीं लगाया, हमने वो नहीं किया ताकि हमने फिर भी नीचे चलने दिया काम। मैंने ये भी देखा है कि लोग खुद ही खाना भेजना शुरू हो जाते हैं जब लोगों को पता चलता है पनागा है। इलाके के लोग जाके वहाँ देगें भेजनी शुरू हो जाते हैं, खाना भेज, तो क्योंकि लोगों में जज्बा है। सिर्फ जो लोगों को एक चीज़ कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या जो हम पैसा डोनेट कर रहे हैं ये ठीक जगह जा रहा है। जो हमारा साल है इसमें चैलेंज सिर्फ हमारा ये है कि हम कैसे लोगों को काम पे भी अपने कारोबार भी करते रहें, उनको रोज़गार भी मिलता रहे और साथ साथ कैसे लोगों को एहसास दिलवाएं कि आपको ये इन शराइत के मुताबिक, इन कंडीशंस, इन SOPs के मुताबिक आपको काम करना है आपकी आपके लिए।